बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एक बार फिर से तैयार है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन के लिए। जी हाँ, डूसू इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन 3 साल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से डूसू इलेक्शन नहीं हो पाए थे और अब चुनाव होने जा रहे हैं। 22 सितंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले नॉमिनेशन फाइल किया जा चुका है। एबीवीपी, एनएसयूआई, आईसा, इन तमाम विंग्स के द्वारा अपने अपने कैंडिडेट्स को आगे करते हुए उनका नॉमिनेशन कराया गया और उसके बाद लगातार ये तमाम दल जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर हम इन 3 प्रोमिनेंट विंग्स की बात करें, एबीवीपी जो 7 बार डूसू चुनाव जीती है उसकी बात करें, तो किस किस ने एबीवीपी की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया है, एनएसयूआई की ओर से किसने नॉमिनेशन फाइल किया है, आईसा की ओर से किसने नॉमिनेशन फाइल किया है। डूसू इलेक्शन के लिए जो कुल नॉमिनेशन फाइल हुए हैं वो बताया गया है कि उसकी संख्या 90 से ज्यादा है। हालांकि शुक्रवार का दिन जो था वो नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था। अब आपको एबीवीपी, एनएसयूआई, आईसा की ओर से किसने नॉमिनेशन फाइल किया है, किस पोस्ट के लिए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले बात अगर एनएसयूआई की करें तो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए हितेश गुलेरिया ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, तो उपाध्यक्ष के लिए अभी दहिया, सचिव के लिए यक्षणा शर्मा और संयुक्त सचिव के लिए शुभम कुमार चौधरी की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया गया है। वहीं अगर एबीवीपी, जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पैनल की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए तुषार ढेड़ा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उपाध्यक्ष के लिए सुशांत धनकर, सचिव के लिए अपराजिता, संयुक्त सचिव के लिए सचिन बैसला की ओर से नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। इसके अलावा अगर आईसा की बात करें तो आईसा के पैनल में अध्यक्ष पद के लिए आयशा अहमद खान ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उपाध्यक्ष के लिए अनुष्का चौधरी, सचिव के लिए आदित्य प्रताप सिंह और संयुक्त सचिव के लिए अंजलि कुमारी की ओर से नॉमिनेशन दर्ज कराया गया है। तो डूसू इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन शुक्रवार था और अब 22 तारीख को मतदान होने जा रहा है। कड़ी टक्कर मानी जा रही है एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच। एबीवीपी 7 बार डूसू इलेक्शन जीती है, ऐसे में एबीवीपी काफी मजबूत भी मानी जा रही है। लेकिन क्या एनएसयूआई की तरफ से जो नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं वो कैंडिडेट्स एनएसयूआई को जिता पाएंगे? फिलहाल मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है, लेकिन 22 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तब पर्दा उठेगा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसका दबदबा कायम होगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।